एनआरसी का मुद्दा हाल ही में असम में गरमाया हुआ है। 40 लाख लोगों को घुसपैठियों की श्रेणी में डाला जाएगा और उनको देश से निकाल दिया जाएगा, या फिर उनको शरणार्थी के तौर पर जगह मिलेगी, या फिर ये लोग अपनी नागरिकता साबित कर पाएंगे। लेकिन इससे अलग एक दूसरी तरह की परेशानी से दिल्ली एनसीआर को दो चार होना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में लाखों की तादाद में अवैध रूप से बांग्लादेशी व रोहिंग्या मुस्लिम रह रहे हैं, जिनके ऊपर नकली नोटों के कारोबार में शामिल होने से लेकर ड्रग्स तस्करी तक के आरोप हैं। इनके पास न केवल भारतीय मतदाता पहचान पत्र है, बल्कि राशन कार्ड व आधार कार्ड से लेकर वे तमाम दस्तावेज मौजूद हैं जो उनके स्थानीय नागरिक बताने के लिए काफी हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 685 झुग्गी बस्तियां हैं, जिनमें करीब 3 लाख झुग्गियां हैं। सभी बस्तियों में आधे से अधिक बांग्लादेशी रहते हैं। हाई सिक्योरिटी जोन नई दिल्ली हो या फिर पॉश इलाके, इन जगहों पर भी हजारों की संख्या में शरणार्थी अवैध रूप से रह रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार दिल्ली में 4 लाख से अधिक बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। 10 लाख से अधिक बांग्लादेशी यहाँ के नागरिक बन चुके हैं। अवैध रूप से रह रहे इन लोगों के कारण न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी नुकसान पहुँचने का डर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अक्सर ऐसे अवैध घुसपैठिए आईएसआई के इशारे पर बांग्लादेश सीमा के रास्ते से भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। दिल्ली आ जाने पर राजनीतिक पार्टियां उन्हें वोट बैंक के चक्कर में संरक्षण देते हैं और उनके दिल्ली के मतदाता कार्ड व राशन कार्ड बनवा देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए भारत तक, और दाहिने कोने में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें।